झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में गठबंधन का बढ़िया प्रदर्शन है। जब पूछा गया कि इंडिया गठबंधन की बैठक है तो क्या सरकार बनाने को लेकर चर्चा होगी, तो उन्होंने कहा कि चुनाव हो गया है, चुनाव खत्म होने के बाद ये जरूरी है कि गठबंधन के बीच में बात हो। आज शाम को बैठक है और हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। सरकार बनने की संभावना पर उन्होंने कहा कि किसी दल को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है, सभी को गठबंधन करके ही चलाना है। सरकार बनने की संभावना पर उन्होंने कहा कि किसी दल को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला, सभी को गठबंधन करके ही सरकार चलानी है। दादा, 5 ट्राइबल सीट पर जीत, कैसे देख रहे इसको? बढ़िया प्रदर्शन है, बढ़िया प्रदर्शन है। इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए आप अभी फिलहाल जा रहे हैं? देखिए, चुनाव हो गया है, देश में आप लोग देख लिया है, चुनाव पार होने के बाद ये जरूरी है अपना गठबंधन के बीच में बात करने का। इसीलिए आज शाम को बैठक है और हम लोग चर्चा करेंगे। क्या लगता है दादा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की कोई संभावना नजर आ रही है? देखिए, संभावना किसी दल को नहीं मिला है, चाहे इंडिया हो चाहे इंडिया गठबंधन, सब गठबंधन करके ही आगे चलना है। इसीलिए हम लोग को विचार करना जरूरी समझा हम लोग, और ऐसा भी जरूरी है जब चुनाव लड़ने के बाद अपना गठबंधन के बीच में चर्चा करना जरूरी है। दादा, ये अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री हारे, सीता गीता हार गई, वो तो आप लोग पहले, उसका कोई हमको कोई उसके ऊपर में कुछ बोलना नहीं है। वही कल्पना सोरेन भी दिल्ली रवाना हुई, जहां वो इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेंगी। एयरपोर्ट पर कल्पना सोरेन ने मीडिया से कोई बात नहीं की, केवल जीत की बधाई दी। बता दें कि आज एनडीए गठबंधन को लेकर भी बैठक होनी है, जिसके लिए नेता दिल्ली पहुंचने लगे हैं। वहीं पीएम मोदी ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति मुर्मू ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।